हेलो दोस्तों, आज मैं रखूंगी मिर्ची का अचार। और मिर्ची का अचार किस तरीके से रखा जाता है, आइए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ। ये मिर्ची का अचार आप साल भर तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मिर्ची ली है, जो लाल वाली आती है मोटी वाली, वो मैंने मिर्ची ली है। और मिर्ची को मैंने पानी से अच्छे से धुल ली हूँ, और धुल करके मैं मिर्ची को बीच से फाड़ लूँगी इस तरीके से, चाकू की मदद से। तो मैं यहाँ पर चाकू से बीच से फाड़ करके, और सभी मिर्ची मैं इसी तरीके से देख लेती हूँ अंदर ख़राब तो नहीं है। तो मैं मिर्ची को फाड़ फाड़ के एक प्लेट में रखती जाती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ये अचार बनता है। आप दाल के साथ या सब्जी या पराठा के साथ खाइएगा, वो ये अचार बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर मैं सभी मिर्ची इसी तरीके से फाड़ करके रख लेती हूँ, और रखने के बाद में सभी मिर्ची मैं फाड़ ली हूँ। और फाड़ करके अब मैं ये पूरा दिन इनको धूप में डालूँगी, जिसमें इसका पानी है ना वो एकदम बिल्कुल सूख जाए। और इधर मैंने कलौंजी और सौंफ और यहाँ पर मैंने जीरा एक ही में मिक्स करके लिया है। ये मसाला मेरा 250 ग्राम है। तो यहाँ पर मैं इसको पहले से भूंज लूँगी। तो इधर मैंने 100 ग्राम लाही ली है, जो काली वाली सरसों होती है ना, वो मैंने ले ली है। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पर हम अब रखते हैं गैस पे कढ़ाई, और सभी मैं 2-2 मिनट तक इनको भूंज लूँगी, जिसमें कि हमारे जो ये मसाले हैं ना बहुत अच्छा तैयार हो। तो इसमें मैंने 3 चीज़ें मिक्स की हैं, तो इसको मैं चलाते हुए अच्छे से भूंज लूँगी। तो इसमें कलौंजी और सौंफ और जीरा अच्छे से हमारा भून जाएगा। तो ये मैं 2 मिनट तक इसको बढ़िया से चलाती रहूँगी और भूंजती जाऊँगी। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है दोस्तों। तो आज हमने अचार का प्लान किया था, तो मैंने अचार इसीलिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अचार ख़त्म हो चुका था। तो मैंने सोचा लाओ अभी मिर्ची आ रही तो मैं बना लेती हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लेना। और यहाँ पर मैंने ये भूंज लिया है, अब मैं भून लेती हूँ सरसों काली वाली। तो ये भी मैं 1 मिनट तक इसको भी चटका लेते हैं, अच्छे से भूंज लूँगी। और ये मैं अच्छे से भूंजती जाऊँगी, जिसमें कि, और ये देखिए हमारी सरसों भी अच्छे से भूंज गई है। तो ये भी मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी ली है धनिया, जो खड़ी धनिया होती है ना मसाले वाली, वो मैंने ली है। तो यहाँ पर मैं धनिया को भी भूंज लूँगी 1-2 मिनट तक बढ़िया से। तो यहाँ पर मैं अब डाल लेती हूँ धनिया, और धनिया डाल करके उसको भी मैं 1-2 मिनट तक बढ़िया से भूंज लूँगी। और भूंजने के बाद में सभी मसाले मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी एक ही में। तो यहाँ पर मेरी धनिया भी भून चुकी है, और ये भी मैं निकाल लेती हूँ धनिया को भी। और मैंने सभी मसाले एक ही में मिक्स कर लिए हैं। तो मसालों को अब मैं रख देती हूँ ठंडे होने के लिए। तो यहाँ पर मसाला मैं, सभी हमारे मसाले अच्छे से भुंज गए हैं, तो मैं रख देती हूँ ठंडे होने के लिए। तो दोस्तों, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही, तो मैं अब ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने पीस भी लिया, और ये पीसने के बाद में आप देख सकते हैं इतना बढ़िया इसकी खुशबू आ रही है कि आप खुद ही कहेंगे कि बहुत ही टेस्टी ये अचार बनेगा। और यहाँ पर मैं रख देती हूँ तड़के वाला पैन। तो इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच भर करके तेल गरम कर लेती हूँ। और यहीं पे मैं, तेल अच्छे से गरम हो गया, तो यहाँ पर मैंने आधी चम्मच हल्दी डाली हुई है, जिसमें कि हमारा मसाला है ना, तेल भी कच्चापन ना महके। तो यहाँ पर मैं मसालों में डाल देती हूँ गरम तेल, और इसको 1-2 मिनट तक ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर ठंडा हो चुका है हमारा मसाला। तो यहीं पर मैं स्वाद अनुसार नमक डाल लेती हूँ, और यहाँ पर मैंने आधी चम्मच से कम है हींग जो मैंने डाली हुई है। और यहाँ पर हमारे पास छिरका नहीं है, तो मैं यहाँ पर अमचूर पाउडर का यूज कर रही हूँ। आपके पास छिरका हो अगर तो आप छिरके भी डाल सकते हैं, हमारे पास अमचूर पाउडर है तो मैंने डाल लिया है। और सभी मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। यहाँ पर ले लेते हैं जो मिर्चा मैंने सुखाए थे ना, वो अच्छे से सूख गए हैं। आप देख सकते हैं इसका पानी एकदम बिल्कुल सूख गया है मिर्चों का। तो मैं मिर्चा भर लेती हूँ इसमें, अच्छे से दबा दबा के मसाले में भर देती हूँ, और भर करके ये रख देती हूँ प्लेट में। और यहाँ पर मैंने डब्बे में कर कर के रख दिए हैं, और थोड़ा सा ऊपर से गरम तेल डाल दिया है। तो दोस्तों, ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर